Hey guys, what's up? I'm Kanan Reed. Welcome back to my channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बड़े होंगे. तो guys, आप सभी को पता होगा मैंने आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें मैंने बताया था कि NXB भाई ने मेरी वीडियो पे कोई फेक कमेंट मतलब फेक नहीं वो मतलब कमेंट किया है कि तुम बेकार वीडियोज बनाते हो सब कुछ कमेंट किया था जिससे कि मेरे को बुरा भी लगा था एंड वो कमेंट फेक था कि रियल था. मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा था यार वीडियो में पूरा बने रहना वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना तभी आप सभी को पता लगेगा वो फेक था कि रियल था. तो मैं आप सभी को बताऊंगा एंड मेरी NXB भाई से बात भी हुई है उस बारे में तो आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना एंड मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या बात हुई और क्यों ऐसा कमेंट किया था उनने मैं आपको सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना. तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं. सो गाइस देखो बात क्या हुई कि जो कमेंट था ना नीरज भाई का वो फेक था रियल था वो तो पता नहीं गाइस एंड मैं आप सभी को बता दूंगा कि आगे वीडियो में कि क्या क्या बात थी उस कमेंट की. तो गाइस देखो वो जब मेरे पास कमेंट आया ना तो गाइस मैं भी थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आया नीरज भाई का कमेंट है किसका कमेंट है मेरे को खुद ही समझ नहीं आया. मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा फिर मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए तो मैंने सोचा चलो ठीक है बना ही देते हैं तो मैंने बना दी. तो नीरज भाई ने वीडियो को देखा काफ़ी मतलब एक महीना हो चुका है इस वीडियो को डाले हुए एंड नीरज भाई ने कल या परसों इस वीडियो को देखा एंड मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलते हैं कि भाई ये कमेंट मेरा नहीं है. ठीक है तो उनने जैसे ही बोला मैंने सर को सॉरी बोल दिया. मैंने बोला सर सॉरी ये मेरे को नहीं पता था कि आपका ही कमेंट है कि मेरे को तो ये लगा कि आपका कमेंट है इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी एंड अब मैंने सॉरी बोल दिया एंड सर ने मुझे माफ़ भी कर दिया है. तो गाइस मैं सर के बारे में कोई हेट नहीं फैलाना चाहता तो बस यही कहना चाहता हूँ सर आई रियली सॉरी एंड बस बाकी यही है कि मतलब कोई हेट फैलाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था बस मेरे को भी थोड़ा बुरा लग गया. फिर मेरे को पता लगा कि किसी मतलब ऐसे किसी पर्सन ने मतलब कोई अननोन पर्सन ने किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया है उनकी डीपी लगा के. तो मैंने बोला चलो छोड़ो जाने दो क्या क्या जा रहा है इसमें कई कमेंट से मेरा कौन सा कुछ जा रहा है नीरज भाई का क्या चले जाएगा. तो बस यही है कि कोई बात नहीं होता है कभी कभार चलता है कोई कोई मजे लेते हैं भाई वैसे भी यूट्यूब पर तो आजकल यही चल रहा है एक दूसरे को हेट फैलाने के लिए लोग करते रहते हैं. तो बस यही है कि कमेंट किया उनने कोई बात नहीं नीरज भाई को फर्क नहीं पड़ रहा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो बस क्या चाहिए बस बहुत बढ़िया सही है सब कुछ. तो बस चलते कोई दिक्कत की बात नहीं है सब कुछ ठीक है. तो भाई नीरज भाई आप मतलब नीरज भाई नहीं नीरज सर आप बहुत मतलब अपनी जगह बहुत बढ़िया हो. एंड गाइज मैं आप सभी को बता दूं जो भी मैं आज मतलब जो भी फोटो एडिटिंग जो भी मैं जो भी सब की चीज़ का क्रेडिट है सारा नीरज भाई को जाता है क्योंकि मैंने सब कुछ मैंने नीरज भाई की वीडियो से ही सीखा है. तो नीरज भाई थैंक यू सो मच एंड सॉरी एंड अगर मेरी आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी. सो गाइज चलो कोई बात नहीं सर ने मेरे को माफ़ कर दिया एंड आप भी मुझे माफ़ कर दो. तो चलिए ये वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं. एंड गाइज जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो यार नीरज भाई के लिए एक वीडियो को लाइक भी कर देना एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीरज भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. तो मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में फोटो एडिटिंग की वीडियोस बनाता हूँ तो यार वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो क्योंकि आप भी फोटो एडिटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे तभी आपने ये वीडियो को क्लिक किया था यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तो मुझे फॉलो कर लेना एंड मैं वहाँ पे सारे अपडेट डालता रहता हूँ. तो मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय.